हेलो फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त वसीमा और आप देख रही हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया दोस्तों अगर मैं अपने गार्डन में लगे हुए अंजीर के पौधे को दिखाऊं तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है पूरा पौधा जो है अंजीर से भरा हुआ है और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिश फल होता है अंजीर और सबसे ज़्यादा जो बीमारियों से लड़ने में मदद करता है तो वो अंजीर होता है तो चलिए दोस्तों आज अंजीर के बारे में पूरी बातें आपको बताते हैं कि आप इसको घर में कैसे लगा सकते हैं और इसके फल को किस तरीके से आप प्रिज़र्व करके रख सकते हैं और कैसे इसको आप खा सकते हैं दोस्तों पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक अगर कोई फल है तो उसमें जो है अंजीर को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और लगभग लगभग सभी डॉक्टर जो है अंजीर को खाने की सलाह देते हैं और सौ से भी ज़्यादा बीमारियों में ये जो है काम आता है और बहुत जल्दी से आपके जो पूरे शरीर है उसको रिकवर करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है साथ ही जो पौरुष शक्ति है उसका भी ये बहुत ज़्यादा विकास करता है तो अंजीर के फल को अगर आप रोज़ खाएँ चाहे इसके सूखे खाएँ फल या इसके ताज़े फल खाएँ या इसको प्रिजर्व करके रखें और उसको थोड़ा सा खाए तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी आपके लिए होगा और हेल्थ बेनिफिट्स इससे भरपूर मात्रा में आपको मिलेगी दोस्तों ये जो अंजीर का पौधा है मेरे ही गार्डन में लगा हुआ है और लगभग लगभग डेढ़ साल हुए हैं इस पौधे को मैंने लगाया था और इसको जो है पहले मैंने बाल्टी में ही लगाया था और बाद में मैंने यहाँ पर इस थर्माकोल की पेटी में रिपोर्ट किया और ये अंजीर ऐसी वैरायटी है जिसमें कि बारहों महीने मैंने अंजीर देखे हैं तो आमतौर से आपके आसपास के नर्सरी में इस तरह के पौधे मिल जाते हैं और दोस्तों अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहें तो एम के नर्सरी है तो वहाँ पर उनके पास भी अंजीर के पौधे मिल जाते हैं लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सबसे पहले आसपास की नर्सरी को चेक करें और ऑनलाइन का ऑप्शन बाद में ही चुनें क्योंकि ऑनलाइन में थोड़े से पौधे आपको महंगे ज़रूर पड़ते हैं क्योंकि उसमें डिलीवरी चार्जेस वगैरह और लेबर चार्ज वगैरह जुड़ा हुआ होता है तो थोड़ा सा पौधा कॉस्टली पड़ता है ये जो अंजीर का पौधा है देखिए एक अंजीर जो है यहाँ पर पक भी चुका है और पक कर के पूरा पौधे में ही ये फट गया है बहुत ही बड़े बड़े हो रहे हैं ये वाला जो फटा हुआ है ख़ास तौर से तो ये तो काफ़ी बड़ा होने के बाद ये फटा है तो इस अंजीर को जो है आप नर्सरी से लेकर के ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए दोस्तों इसको लगाने के लिए कोई खास मिट्टी की ज़रूरत नहीं है बस आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद 30 से 40 परसेंट मिला करके आप इनको लगा दीजिए नॉर्मल गार्जन सॉइल बाकी रखिए और 10 परसेंट लगभग जो रेता है वो आप इसमें मिला सकते हैं ताकि ड्रेनेज अच्छा बना रहे तो वो आपके वहाँ की मिट्टी पर डिपेंड करता है कि रेता आपको कितना मिलाना है हो सकता है 10 से 15 परसेंट भी आपको मिलाना पड़े 20 परसेंट भी मिलाना पड़े और कहीं कहीं मिट्टी अगर रेतीली होती है तो उसमें फिर मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों बस इसी तरीके से आपको इसमें पौधे को लगा देना है और कोई ख़ास देखभाल नहीं बार बार खाद वगैरह डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है आप बस लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डालते रहे बीच बीच में जो घरेलू लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है जो सब्जी और फलों के छिलके को भिगो करके और प्याज के छिलके को भिगो करके बनता है तो इसी को आप डालते रहेंगे तो आप देखेंगे कि फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है और साल में एक बार जो है आप इसके जो मिट्टी है चाहे तो नीचे से यहाँ यहाँ से थोड़ा सा निकाल करके आप दोबारा से गोबर की खाद को ऐड कर सकते हैं दोस्तों आप बताते हैं कि ये जो अंजीर का पौधा है ये जो है एक साल में ही फ्रूटिंग करने लग जाता है तो शुरू शुरू में जो है छः महीने में भी आपको मिल जाएंगे इसके फ्रूटिंग देखने को पौधा थोड़ा सा मैच्योर होता है तो इसमें जो फ्रूटिंग है वो भी बढ़ती जाती है और दोस्तों इसको प्रिजर्व कैसे करना है कैसे खाना है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जब ये फल जो है मैच्योर हो जाए थोड़े से इस तरह से लाल लाल दिखने लगे तो आप इस फल को तोड़ लीजिए पूरी तरह से फटने का इंतज़ार मत कीजिए जैसे यहाँ पर तो ये फट गया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो थोड़ा सा इस तरह से रंग काला काला पड़ने लगे हल्का हल्का तो उसी समय जो है आप इसको तोड़ लें और तोड़ने के बाद इसको अच्छे से धो ले और धोने और दोस्तों धोने के बाद जो है आप इसको उबाले पानी के अंदर डाल करके थोड़ा सा पानी ले ले और पानी में जो है कुछ जो चीनी है या शुगर है उसको आप उस पर मिला ले और उसी के अंदर इन अंजीर को डाल दे और इसको उबलने के लिए छोड़ दे जब थोड़ी देर ये उबले तो फिर उबले हुए अंजीर को आप निकाल करके उसको आप धूप में सुखाने के लिए डाल दे और इस तरह से जो है दो तीन दिन आप इसको धूप में डालते रहे तो अंजीर जो है थोड़ा सा सूख जाएगा ऊपर से उसका पानी और फिर जो है आप उसको हाथों की मदद से चपटा थोड़ा सा कर ले और उस तरीके से फिर आप उसको जो है अपने घर में किसी डिब्बे में प्रिजर्व करके रख सकते हैं और इसका सेवन आप रोज़ाना कर सकते हैं खाने में भी ये बहुत ज़्यादा सुस्वादु होता है मीठा होता है और जब चीनी के चाशनी में डुबा करके आपने पहले रखा है जिस समय गर्म पानी किया था तो उससे इसकी मिठास भी और ज़्यादा बढ़ जाती है बाकी अगर आप चीनी के पानी में नहीं डालना चाहते तो नॉर्मली भी आप इसको थोड़ा सा उबाल करके फिर आप इसको सुखा सकते हैं थोड़ा सा धूप में सुखा करके रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और उसके बाद फिर आप उन सूखे हुए फलों को भी खा सकते हैं और ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली नहीं खाया जा सकता लेकिन डायरेक्टली प्रिजर्व करना जो है मुश्किल पड़ता है जैसे ये फल जो है पक गया है डायरेक्टली भी हम इसको खा सकते हैं लेकिन डायरेक्टली शायद जो स्वाद है वो इतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा और उसको आप प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हैं लेकिन जो सूखा करके आप प्रिज़र्व करना चाहते हैं तो वो काफ़ी दिन तक रह जाता है तो इस तरीके से आप दोस्तों इस अंजीर के स्वाद को भी ले सकते हो और साथ में हेल्थ बेनिफिट्स भी ले सकते हैं तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप भी अपने घर में इस अंजीर के पौधे को ज़रूर लगाएंगे आज के वीडियो में बस इतना ही कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया नमस्कार